अंबेडकर पुस्तकालय पंडोह में आयोजन समिति के सहयोग से 500 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से अंबेडकर भवन पंडोह में पुस्तकालय आरंभ किया गया। इसमें अधिकांश पुस्तकें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साहित्य के रूप में संग्रहित की गई हैं, जबकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की ज्ञानवर्धक विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी इस पुस्तकालय में संग्रहित की गई हैं। इस पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से दूर करते हुए उनका ध्यान किताबों और शिक्षा की ओर आकर्षित करना है। वहीं सेवानिवृत्त वृद्धजनों के लिए इस पुस्तकालय में किताबों के साथ साथ दैनिक समाचार पत्र भी पढ़ने को ये पुस्तकालय शाम 4 से 6 बजे तक खुला रहेगा। पंचायत प्रधान गीता देवी ने बताया कि पंडोह में आज तक कोई सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं बन पाया था। काफी सालों के बाद जो है यहाँ अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी का पुस्तकालय का हमने शुभारम्भ किया है और मैं धन्यवाद करूंगी अम्बेडकर कमेटी का जिन्होंने इतने कम समय में यहाँ पे लाइब्रेरी का संचालन किया और इस पंचायत से हमारा जितना भी सहयोग होगा वो हम इस अम्बेडकर भवन के लिए करने में तत्पर रहेंगे। हमने अभी यहाँ पे मीटर का भी प्रोविज़न कर रहे हैं। हम SDM साहब को यहाँ पे मीटर लगवाने के लिए अपनी सारी मतलब जितनी भी हमारी कोशिश है हम पूरी कर रहे हैं। एक हमने फाइल तैयार कर ली है मीटर के लिए और पानी के लिए भी हम व्यवस्था का यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी को भी सुचारू रूप से चलाया जाए और यहाँ पे हम जितना भी हमारे आगे के लिए जो यहाँ पे शीशे वगैरह टूटे हैं कुछ भी है DC महोदय जी को हम एक अपने यहाँ से पंचायत से प्रस्ताव दे रहे हैं कि वो हमारे अंबेडकर भवन के लिए राशि दें ताकि हम इस अंबेडकर भवन का आगे के लिए सुचारू रूप से इसको चला सकें। बाकी जय हिंद है, जय धन्यवाद। मेरा नाम बालकराम है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आयोजन समिति का सदस्य हूँ। आज सार्वजनिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन स्थानीय नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान गीता देवी के कर कमलों से संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता PDC सदस्य अनिता कुमारी द्वारा की गई। पंचायत के उप प्रधान सहित सभी सदस्यों ने इसमें शिरकत की और इस पुस्तकालय का में अब तक 550 पुस्तकें रखी गई हैं और ये सारी की सारी पुस्तकें लोगों ने डोनेट की हैं, जिसमें अधिकांश पुस्तकें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी हुई हैं। इस पुस्तकालय में राजनीतिक किताबें, धार्मिक और हर तरह की पुस्तकें इस पुस्तकालय में रखी जाएगी, जिसमें हिमाचल और राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी इस पुस्तकालय में मिलेगी। इस पुस्तकालय के लिए स्थानीय लोगों द्वारा आर्थिक मदद की गई है, बहुत सारे स्वयंसेवियों ने इसमें मदद की है और हम आग्रह करेंगे जो कोई भी इस पुस्तकालय में किताबें, कुर्सी, टेबल या कोई और आर्थिक मदद देना चाहता है उसका स्वागत है, क्योंकि यह पुस्तकालय केवल और केवल जन सहयोग से आरंभ किया गया है और जन सहयोग से ही चलेगा। इस पुस्तकालय में आज से ही 4 बजे से 6 बजे तक साय पुस्तकें बच्चों को, बुजुर्ग रिटायर्ड पर्सन को पढ़ने को मिलेगी और जो कोई पुस्तक घर ले जाना चाहेगा उसका पंजीकरण होगा और वो घर ले जा करके पढ़ने के बाद पुस्तक को वापस भी करेगा, ये इसका प्रोसेस है। इस पुस्तकालय में हमारा टारगेट है कि हम एक महीने में इस पुस्तकालय में 1000 पुस्तकों का संग्रहण करेंगे। इसके लिए स्थानीय लोगों से मेरी अपील है कि तन मन धन से। दिव्य हिमाचल TV के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।